करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भजनलाल सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट में पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को संबोधित किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट का आयोजन जयपुर के ललित होटल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर प्री समिट की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पर्यटन सचिव रवि जैन ने पर्यटन उद्योग से जुड़े निवेशकों के साथ MOU हस्ताक्षर किए। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन निवेशकों द्वारा निवेश से आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और क्या कुछ कहा है सीएम भजनलाल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। पहले साल में राइजिंग राजस्थान आप रख रहे हैं, कैसे हो पाएगा, समय कम है, लोगों के समय तीन तीन चार चार पांच पांच महीने पहले छह महीने पहले बुक हो जाते हैं। हमने कहा ये राजस्थान की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये समर्पण की धरती है। अगर इरादे एक होंगे, अगर कार्यक्रम तय भी हो गए होंगे तो वो कैंसिल होंगे, लेकिन राजस्थान दिसंबर में ही होगा। और हम समझते हैं कि हमारी ये दृढ़ इच्छा शक्ति इसको बनाने वाला और इसको करवाने वाला कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और आप देख रहे हो कि लगातार आपने देखा होगा जो कि जैसे ही हमारी सरकार बनी हमें कई कामों को लेकर के बड़ी चिंता थी, क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान की टीम मजबूत कैसे हो सकती है, ऐसी क्या आवश्यकता है जो हमें सबसे पहले करनी है। हमें लगा कि हमारे राजस्थान में दो बातों की आवश्यकता सबसे पहले है, और वो आवश्यकता है कि हम विकसित राजस्थान बनाने के लिए, समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, मजबूत राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है, और दूसरे नंबर आवश्यकता होती है तो बिजली की होती है, और तीसरे नंबर आवश्यकता होती है तो रोड कनेक्टिविटी की होती है। हमने हमारी सरकार आते हैं सबसे पहले इन्हीं तीन विषयों को लिया, और मित्रों आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा जो हमारी ERCP की योजना है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, उद्योग को भी बढ़ावा देगी, कृषि को भी बढ़ावा देने का काम करेगी, पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी। तो हमने सबसे पहले पानी के लिए व्यवस्था की, तो ERCP को लेकर के आए, उस पर हमारा MOU हुआ। फिर हमने देखा कि ये हमारी योजना है, ये राजस्थान के पुराने जो 13 जिले उनके लिए है, नए जिले उसमें कुछ बड़े हैं, लेकिन हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने
हमारे शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की सरकार को कि आज उन्होंने हरियाणा जल समझौते पर मोहर लगा दी और वो भी जल्दी होने वाला है। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैंने ये विषय विधानसभा के अंदर रखा था तो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी यमुना जल पर बात नहीं की और विडंबना इस बात की थी मुझे कि सबसे ज्यादा राजस्थान में केंद्र में हरियाणा में अब सबसे ज्यादा अगर किसी का राज रहा तो वो कांग्रेस सरकार का रहा था। मैंने कहा था आपने पानी के लिए एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा हमने लिखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी कांग्रेस ने वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा है, हमारा MOU हो गया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम उसको रद्द करेंगे। मैंने हरियाणा में जाकर के कहा कि आपने जो अपने घोषणा पत्र में डाला है ये किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने वाले हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, आज उन्होंने हमारी मान ली, आने वाले समय में हरियाणा से हमारे उन तीनों जिलों को पानी देंगे। इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपका विजन क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो काम करने वाले होते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उस पर सारी जनता की नजरें होती हैं, जनता का आशीर्वाद होता है, और जब जनता का आशीर्वाद होता है तो ऊपर वाला भी मेहरबान हो जाता है, और जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो कोई काम रुकता नहीं है। क्योंकि मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, और मैं जो हरियाणा में जब चुनाव में गया था तो मैं यही कहकर के आया था, और मेरी उस ऊपर वाले ने बंसी वाले ने बात सुनी और उसने कह दिया चिंता मत करिए राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अपार संभावना है, और उन अपार संभावनाओं के माध्यम से हमारा हर क्षेत्र में, हमारा राजस्थान क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा राजस्थान देश में सबसे बड़ा है, अगर हम मिनरल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मिनरल है तो वो राजस्थान के अंदर है, अगर हम बात करें पर्यटन की तो राजस्थान की क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है, हमारे किले देखिए, हमारा डेजर्ट देखिए, हमारे पुरानी हवेलियां से लेकर के हमारा आप अभ्यारण्य देखेंगे, चारों तरफ राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। इधर चलोगे आप हैनीपुर वाला, थोड़े से चलोगे तो गिरिराज, उससे इधर आओगे घूम करके तो भट्टरी महाराज, इधर अगर चलोगे तो खाटू श्याम, थोड़े से चलोगे तो सालासन, और चलोगे तो करणी माता जी, आप देखिए हमारे सालासन बालाजी से लेकर के हमारे श्रीनाथ जी से लेकर के सामरिया सिंह जी से लेकर के कितने हमारी माता है, कितना हमारा त्रिपुरा सुंदरी बेण और राम सीता अभ्यारण, कितना हमारा पर्यटन। मैं अभी जन्माष्टमी के दिन गिरिराज जी गया, उससे पहले एक दिन में मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के ERCP के काम के लिए मैं गया, उन्होंने कहा भाई जब ये कोई नया काम भी होना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन संदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा लेने आए, यहां सब आए थे, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम गमन पथ बनाया है इसी तरह से हम कृष्ण गमन पथ बनाए। उन्होंने कहा वैसा भी तो अच्छी बात है, क्योंकि मोहन यादव ने यह कहा कि मैं भी चाहता हूं, मैंने कहा हम भी जाते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह तो मैं उनकी जन्मस्थली मथुरा गया और शाम को मैं संदीपन गुरु के आश्रम में गया, उन्होंने वहां घोषणा की, हमने यहां घोषणा की कि हम कृष्ण गमन पथ बनाएंगे, जो भगवान मथुरा से लेकर के भरतपुर होते हुए
करौली होते हुए, कोटा होते हुए, झालावाड़ होते हुए उज्जैन गए थे, उस रास्ते को भी हम बनाएंगे जिससे एक हमारा पर्यटन का काम और हमारा धार्मिक पर्यटन स्थल एक हमारा बन सके। देखिए हमें हमारे राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमें हमेशा उस बात में हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैंने जैसा बताया हमारे बहुत ये है कि आपने देखा होगा कि कई स्थल तो हमारे ऐसे हैं जिनको हम ठीक प्रकार से अगर उनका हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पर्यटक हर तीसरा पर्यटक में आता है। मेरी तो सोच इतना है कि हम पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में किस तरह से रोक पाते हैं, जितने दिन हम उसको रोकेंगे उतना ही ज्यादा राजस्थान को फायदा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पर्यटक ही हूं, जहां मैं जाता हूं वहां दर्शन करके देख करके आ जाता हूं। आप तो उस क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए आपका अनुभव बहुत बड़ा है, और मैं इस को कहता हूं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती, अनुभव जीवन का ऐसा नहीं है कि अंत में तक भी अनुभव आते रहते हैं। और आप उस क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए मैं आप सभी का आभार करना चाहता हूं। आप पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव है हमारी वेबसाइट पर भी डाली, हमको ऐसे सुझाव हमारे पास पहुंचाई है जिन सुझावों के माध्यम से हम राजस्थान की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। आपके ऐसे सुझाव तो राजस्थान को एक कदम बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारी बातें हम ही जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में है वही लोग जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा हमारे यहाँ पहले तो भीम आप चला रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक ही क्यों चला रहे हैं, एक दौर बड़ा है ना, क्या दिक्कत आ रही है। हम ऐसा सर्किट बनाए जो प्रतिदिन का 3 दिन में हमारा सर्किट पूरा घूम करके आए, पूरे राजस्थान को हम दिखाए, आगे उन प्रदेशों को भी दिखाए जिससे वो प्रदेश भी उससे जुड़े, हम ऐसे स्थलों पर ले जाए लोगों को लगे कि यहाँ अगर हम ठीक प्रकार से बनाएंगे तो हमारे पर्यटक भी ज्यादा आएंगे। हम हमारे उन क्षेत्रों में रात को नाइट शो होता है, लाइट शो होता है उसको भी हम ठीक प्रकार से करें, लाइट शो होगा तो उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उसको लगेंगे। अब जब 2 घंटा आप ले लोगों तो जरूर कहा जाने वाले हैं, वही रुकने वाले भी नहीं है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं इस क्षेत्र में हम काम करें। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे धार्मिक पर्यटकों की दृष्टि से भी कुछ होटल हमारे यहाँ खुलने वाले हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाइए जिससे कि पर्यटन का राज्य GDP का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी GDP बढ़े, जिससे राजस्थान में एक वातावरण बने और वातावरण बनने के साथ एक अच्छे विकास की जो हमारी है वो भी आगे बढ़ेगी। आप राजस्थान की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए विभागीय सम्मेलन में पधारे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 9 से 11 दिसंबर जो हमारा राजिंग राजस्थान है उस सम्मेलन में आप शामिल होने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उसमें हमने रखा है 9 तारीख को हमने हमारा सम्मेलन, लेकिन 10 तारीख को जो हमारे प्रवासी राजस्थानी, हमने 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानियों को भी रखा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मेरे को पूरे देश के प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों में जाने का अवसर मिला। वहां उन लोगों ने मेरे को कहा कि हम राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, हम किस तरह से करें। मैं आपके माध्यम से भी उन सभी ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अपने राजस्थान में आए, और हमारी जो कहावत है पधारो हमारे देश, वो आए राजस्थान में पधारे, आए और अपने हिसाब से वो जितने
कितना निवेश करना चाहता है निवेश करें। अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि आपके जो सुझाव है उन सुझावों से हमारा राजस्थान लाभान्वित हो। ऐसे सुझाव आपके महत्वपूर्ण है, उन सुझावों को भी दीजिएगा और राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में आप सभी भारतीय हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मिले, इसी आशा विश्वास के साथ उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वहीं पर्यटन विभाग के प्री समिट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची और प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर एक राज्य बनाएगी। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट के माध्यम से राजस्थान सरकार निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए स्वागत किया है। इस समिट से निवेशकों के साथ साथ राजस्थान के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मदन राठौर के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय में दिवाली से पूर्व दीये जलाकर हरियाणा में बीजेपी सरकार की हैट्रिक का जश्न मनाया गया है। शिल्प और माटी कला बोर्ड की ओर से बीजेपी कार्यालय में दीपक से कमल का फूल बनाकर रोशनी की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम ने दिवाली से पूरे जो है पूर्व दीये जलाकर जश्न मनाने का अवसर प्रदान किया है। दिवाली अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का पर्व है। ऐसे में जहां भी अंधकार है वहां बीजेपी की रीति और नीति समझाने की आवश्यकता है ताकि वे भी जागृत हो जाएं और बीजेपी जैसी देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली और संस्कारवान पार्टी के साथ जुड़ जाएं। इस दौरान शिल्प और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टाक और विधायक हमीर सिंह भयाल और बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश दातिज और साथ ही बीजेपी महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और बीजेपी प्रदेश मंत्री भूपेन्द्र सैनी सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली भव्य जीत पर खुशी जताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मिली लगातार तीसरी बार प्रचंड ऐतिहासिक विजय के समस्त कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। साथ ही राठौर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मिला जनादेश, जन समर्थन और जन सहयोग स्वागत योग्य है और इस बार के चुनाव में जनता जनार्दन की ओर से भारी संख्या में किया मतदान भी किया है और लोकतंत्र के महोत्सव में अभूतपूर्व उत्साह को दर्शाता है। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पुनिया ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान सतीश पुनिया ने कहा कि मैं किसानों, खिलाड़ियों और जवानों की देवतुल्य भूमि हरियाणा की जनता को नमन करता हूं। हरियाणा में बीजेपी की यह प्रचंड जीत किसानों, गरीबों, पिछड़ों, जवानों और युवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीए सरकार में अटूट विश्वास की जीत है जो विकसित हरियाणा से लेकर विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और विकसित भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने एक मजबूत और परिश्रमी टीम के रूप में काम कर एक अच्छी रणनीति के जरिए जीत हासिल की है। एग्जिट पोल कांग्रेस के एग्जिट होने का पोल था कि उस द्वार का रास्ता दिखाने के लिए हमारा स्लोगन था नॉन स्टॉप और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर लगा दिया फुल स्टॉप। हम लोग आशान्वित थे और हमारे इस भरोसे का जो बड़ा कारण था वो हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। हरियाणा का जो आम आवाम है मोटे तौर पर वो एक एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने
चौधरी देवीलाल जी को लोकदल के नाते बहुत लंबे समय तक अवसर दिया। कुल मिलाकर हरियाणा की जनता कांग्रेस के प्रति हमेशा विपरीत रही है। अवसर दिया उनको, लेकिन उन अवसरों पर उनकी हकीकत उन्होंने पहचान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे पर गए और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया और वहां की कई प्रमुख कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों में उद्योग मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों और व्यापारी जगत के अधिकारियों से राजस्थान आने और राज्य में निवेश की संभावनाएं तलाशने और व्यापार के नए अवसर बनाने का आग्रह किया है। इस दौरान निवेशकों और कंपनियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की ओर से व्यापार जगत के लिए किए जा रहे अनुकूल नीतिगत निर्णयों से भी अवगत कराया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 12 निजी खातेदारी करीब 14 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतया ध्वस्त किया गया है। ग्राम चंपापुरा में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही सुशांत सिटी एचएक्स ब्लॉक में पारखी सरकारी भूमि का कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चंपापुरा और साथ ही जिला जयपुर में जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि के खसरा नंबर 161/1 पर कब्जा अतिक्रमण कर बने अंडरनुमा कमरे तारबंदी और साथ ही अन्य अवैध निर्माण पर किए गए कब्जे अतिक्रमण को आज जोन 12 की राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया है। जोन 12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सुशांत सिटी एचएक्स ब्लॉक जिला जयपुर में पार्क की सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कर लगाए गए 3 शेड और छान छप्पर और साथ ही अन्य किए गए कब्जे अतिक्रमण को जोन 12 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से हटाकर पार्क की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने आमजन से अपील करते हुए सूखा दिवस मनाने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बढ़ती मौसमी बीमारियों के मद्देनजर सतर्क रहते हुए प्रत्येक परिवार अपने घरों और आसपास मच्छरों से बचाव के लिए सूखा दिवस जरूर मनाएं। डॉक्टर विजय सिंह फौजदार जयपुर के शहरवासियों से और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि प्रत्येक संडे प्रत्येक रविवार सूखा दिवस मनाएं। इसका तात्पर्य यह है कि अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होना दें, आपके जो चिड़ियाओं को पानी पिलाने वाले परिंडे होते हैं उसको खाली करके सुखा के दोबारा से पानी भर के रखें, सभी कूलर साफ रखें, बिल्कुल धो के सुखा के रखना है और छत पे जरूर जाके देखना है कि कोई डिब्बा ऐसा तो नहीं जिसमें पानी भरा हो और उसमें मच्छर के कीटाणु पनप रहे हों। यह करने से मच्छर जो है पैदा नहीं होगा और लोगों की जान माल की हानि नहीं होगी। राजस्थान प्रदेश सरकार ने बुधवार को मोबाइल वेटरनरी वैन की शुरुआत कर दी है और इससे रामगंज मंडी के किसानों और पशुपालकों को फायदा होगा। इसमें 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर शुरुआत की गई है जो एक कॉल करते ही बताए स्थान पर पहुंच जाएगी। पशुओं के त्वरित इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। पशु एम्बुलेंस को बुलाने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 डायल करने होंगे और साथ ही एम्बुलेंस में एक डॉक्टर कंपाउंडर और ड्राइवर होगा। शिक्षा और पंजी और साथ ही पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर रामगंज मंडी में गुरुवार को कृषि उपज मंडी में पशु चिकित्सक लाले मोबाइल वैन का लोकार्पण प्रधान कलावती मेघवाल और बीजेपी पदाधिकारियों ने किया है। वहीं किसानों को डॉक्टर अनिल मीना ने एम्बुलेंस मोबाइल वैन की सुविधाओं की जानकारी दी है। शहर में कृषि उपज मंडी में पशु चिकित्सालय मोबाइल वैन का शुभारंभ हुआ है जिसमें प्रधान कलावती मेघवाल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमलेश कुइन और महामंत्री अखिलेश और साथ ही धर्मपाल घटोर और ओम प्रकाश मेघवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। योजना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया है। 24 फरवरी से शुरू हुई थी 2024 से और ये कल तक तो इसमें कैंप सुविधाएं थी लेकिन आज से ये हेल्पलाइन नंबर निःशुल्क चालू हो गया है।
राबुढ़े में इतना ही, नमस्कार।